कैसे आपको स्कोप बढ़ाना है, कौन कौन से कोर्सेज आपको करके चलने। सर यूपीएससी एक ऐसा नाम जो आज हर बच्चा जानना शुरू हो गया। बेस्ट दोनों ही जॉब्स हैं, आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग विच जॉब इज बेस्ट। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करके चलेंगे, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख दिया होगा। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अ स्टूडेंट्स लाइफ इज टू चूज अ डिग्री और अ कोर्स आफ्टर क्लास प्लस टू। बच्चों एक ऐसा डिसीजन है कि अगर रॉन्ग हो गया ना तो स्टूडेंट को लाइफ भर रिग्रेट रहता है कि नहीं यार ये लाइन चुननी चाहिए थी, ये चुन ली। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोर्सेज एंड डिग्रीज शेयर करके चलूंगा जो बहुत से हमारी कंट्री में बच्चे परस्यू करके चलते हैं। एंड बच्चों ये हैं सारी डिग्रीज एंड कोर्सेज। इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि सारे कोर्सेज हमारी कंट्री में ना थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कोर्सेज एंड डिग्रीज हैं, तो सारे कोर्सेज एक ही वीडियो में बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि सर मेरे को इसके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज दे दीजिए, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। उस पर अलग से हम प्रॉपर रिसर्च करके, उसके स्कोप पे रिसर्च करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर देंगे, ताकि आपके मन की जितनी भी दुविधा है उस कोर्स से रिलेटेड, गूगल पे सर्च मार के नहीं समझ में आ रहा सर कैसा है ये कोर्स कैसा नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये कोर्सेज हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जनरल स्टूडेंट्स हमारे फॉलो करके चलते हैं और हमारी कंट्री में ऐसे कैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आई हैव कैटेगराइज दीज कोर्सेज इनटू थ्री कैटेगरीज, ओके। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल कोर्सेज, समझ के चलेंगे प्लीज। सो पहला हमारे पास बच्चों आके चलता है बीकॉम, ऐसा कोर्स, ऐसी डिग्री, कोर्स नहीं कहेंगे डिग्री कहेंगे, ऐसा कोर्स जो बच्चे बच्चे को पता। व्हाट डू यू मीन बाय बीकॉम? सर बैचलर ऑफ कॉमर्स। प्लस टू में एग्जाम पास करने के बाद बच्चा अच्छे कॉलेज में जाने की प्रैक्टिस करता है। वो कैसे प्रैक्टिस करके चलता है कि प्लस टू में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे सो गो फॉर अ गुड कॉलेज ऑफ बीकॉम। ये जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उससे बीकॉम करोगे तो इतना स्कोप नहीं होता। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको स्कोप के बारे में नहीं बताऊंगा, यू आर द वन, जो आपकी लाइन है जिसमें आपका मन करता है जाने का आप उसमें जाइए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जाइए, टीचिंग लाइन में जाइए, सीए लाइन में जाइए, सीएस लाइन में जाइए, बट आपका उसमें मन ही नहीं है तो बच्चों ये चीज़ गलत हो जाएगा। पहले एक कोर्स के लिए मन बताइए, वो सारे मैं आज आपको बता दूंगा क्या क्या कोर्सेज में क्या क्या होकर चलता है, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बाद चूज करके चलना, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज बीकॉम ऑनर्स। बहुत से बच्चे डिमांड भी करते हैं और अगर इस वीडियो में अगर आप डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। मोटा मोटा डिफरेंस बता दूं क्या है, बीकॉम ऑनर्स के लास्ट ईयर में एक स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट आपको चूज करने के लिए मिलता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, वेदर इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू कोई भी स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट आप इसमें चूज करके चल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लास्ट ईयर में फाइनल ईयर जिसको बोलते हैं उसमें उनको सब्जेक्ट चूज करने को मिलता है स्पेशलाइजेशन के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इट्स बीसीए। बीसीए इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो बच्चों को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है वो इसमें ग्रेजुएशन करके चल सकते हैं जिसका नाम है बीसीए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। हमारी कंट्री में ना मानना है कि बीए तो नॉर्मल वाला बच्चा करता है, एवरेज स्टूडेंट करता है जिसने पढ़ाई नहीं करनी। आप मुझे दो मिनट दीजिए, मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि बीए में चैंपियन बच्चा भी जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज बीबीए। बीबीए इज रिलेटेड टू बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी आप जा सकते हैं, इट इज बेसिकली अबाउट प्रोफेशनलिज्म, जिन्होंने एमबीएस करनी है। हालांकि बीकॉम करके भी एमबीए कर सकते हैं बट एक लाइन बनी होती है ना कि बीबीए करके एमबीए करो, इसलिए बच्चा बीबीए में जाना ज्यादा प्रेफर करता है हु आर प्लानिंग टू डू एमबीए इन नियर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बीएड। बीएड इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन इट इज रिलेटेड टू द टीचिंग लाइन। बच्चों इस वीडियो में जिस जिसने प्रोफेसर लाइन, टीचिंग लाइन में भी जाना है उसके लिए भी मैं प्रॉपर आपको समझा के चलूंगा कि कैसे आपको स्कोप बढ़ाना है, कौन कौन से कोर्सेज आपको करके चलने हैं इफ यू वांट टू गो इन द टीचिंग लाइन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास आके चलता है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब इट इज रिलेटेड टू सम प्रोफेशन। तो पहला हमारे पास बच्चों, बच्चे जाना पसंद करते हैं लॉ में, हमारा जो लॉ सिस्टम है, लॉयर बनने की लाइन में जाते हैं, उसको लॉ ज्वाइन करवाते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जामिनेशन होता है जिसको बच्चों हम बोल के चलते हैं
क्लैट एग्जामिनेशन, जो लॉ बच्चे कर रहे होंगे या फिर जो अभी प्लस टू वाले हैं जिनकी लाइन में इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट है इस लाइन में, वो अभी तक सर्च कर चुके होंगे, देयर इज अ क्लैट एग्जामिनेशन, तो इसके थ्रू आप लॉ कॉलेजेस में जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर, जो बच्चा प्लस टू में जिसको पता लग जाता है कि भैया ये कोर्स तो करना ही करना है, इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, CA कोर्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वैसा एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो है CMA। CMA इज रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बच्चों ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनको कैसे करके चल सकते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आप कोर्सेज के बारे में समझ के चलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सरकारी नौकरी, सर मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, सर मेरे को ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, मेरे को सरकारी नौकरी में जाना है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं, सरकारी नौकरी में जाने के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन, अगर अच्छे लेवल की सरकारी नौकरी में जाना है एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता के चलूंगा। सो पहली सरकारी नौकरी हमारे पास आती है बैंकिंग की नौकरी। अरे सर कौन से, प्राइवेट बैंक? अरे नहीं भाई, SBI जाते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा जाते हो, ये कौन से बैंक्स हैं, ये सरकारी बैंक है। इसमें सीधा इंटरव्यू दिया और पास हो गए, ऐसा नहीं होता, इसमें ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम होते हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर राइटिंग एग्जाम होता है, आपके पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, GD राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन वाले राउंड्स होते हैं, बच्चे को फिर लिया जाता है। तो इस पे एक वीडियो भी बना के चलूंगा, प्राइवेट बैंक जॉब्स वर्सेस पब्लिक बैंक जॉब्स, जिसको हम गवर्नमेंट बैंक जॉब्स ही बोलते हैं, और ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है बच्चों, क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत डीपली एक एक चीज समझा के चलूंगा कि विच जॉब इज बेस्ट। बेस्ट दोनों ही जॉब्स हैं, आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग विच जॉब इज बेस्ट, तो ये वीडियो जल्दी आएगा, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बच्चों सरकारी विभाग जो होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो अनगिनत होती हैं, अनगिनत, हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स हैं। बट ये मेन गवर्नमेंट जॉब्स लेके आ रहा हूं, ये मत सोच लेना कि बस सर सिर्फ यही होती है, नहीं, मेन ये है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज रेलवेज की जॉब, रेलवेज की जॉब भी गवर्नमेंट जॉब्स होकर चलती हैं, साल भर इनके वैकेंसीज निकलते हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट RBI, बच्चों RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, इनके एग्जामिनेशन थोड़े टफ होते हैं, बट नथिंग इज टफ अगर आप पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे अच्छे से। इस पे भी अगर आप चाहते हैं कि सर एक अलग सी वीडियो बनाना बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए, तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, मैं इस पे भी प्रॉपर वीडियो बना के चलूंगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज सर UPSC, एक ऐसा नाम जो आज हर बच्चा जानना शुरू हो गया, क्योंकि सर एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, सर समझ में आ गया सर UPSC के एग्जाम्स में क्या होता है, क्या सर इजी होता है? इजी नहीं होता, सीरीज में आपको पता लग गया हो। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ के चलिए कि UPSC होता क्या है, UPSC इज अ सिविल सर्वेंट जॉब, अ सर्विस टू द नेशन, ठीक है। इससे करके आप क्या क्या बन के चल सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं IAS तो बनते ही हैं, जो DMs होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। उसके बाद बच्चों IPS बन के चलते हैं, उसके बाद हम IRS बन के चलते हैं, और बच्चों हम IFS बन के चलते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि BA हमारी कंट्री में बोल के चलते हैं कि यार जो BA होके चलता है ना वो तो एवरेज स्टूडेंट करके चलता है। बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, BA में ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, ओके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसने UPSC करना होता है ना वो पता है कौन सी ग्रेजुएशन डिग्री करके चलता है, PA की डिग्री करके चलता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये UPSC का जो मेन वाला एग्जाम होता है उसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज के बाद कोई अगर आपको बोलेगा ना मैं BA कर रहा हूँ, ठीक है वो UPSC ना कर रहा हूँ, बट लेवल होगा तभी कुछ BA कर रहा है। BA को कभी भी डिग्रेड वाले उसमें मत समझ लेना कि BA तो ऐसे ही है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता। तो बच्चों ये था एक ओवरऑल जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर आप क्या बताना चाहेंगे, कि एक हमें लाइन बता दीजिए कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। बच्चों वो मैं नहीं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप अपने अंदर खुद देखिए कि आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं। बट यस मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत से बच्चे जो फॉलो करके चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट चीज मैं आपको बता के चलूं, फर्स्ट चीज गो फॉर BCom। मैं फिर से कंसीडर ये करके चल रहा हूँ कि आप मेरी कहना मत मानो कि हाँ सर ने BCom बोला तो BCom ही करेंगे, नहीं, ये सिंपल जो बच्चे लाइन फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। BCom कर लो, BCom ऑनर्स कर लो, BBA कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं पहले से लिख देता हूँ यहाँ BBA या फिर इसमें आएगा BCom ऑनर्स कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे जो मैंने नोटिस किया है वो एक स्मार्ट मूव करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सर ये हमारी कितने साल की है, ये हमारी होती है 3 साल की। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको लोगों को बता दूं कि ग्रेजुएशन होती है ना BCom BBA और BCom ऑनर्स, इतना नहीं टाइम आपका, मतलब कहते हैं ना हम पूरा इंडल्ज रहते हैं उस ग्रेजुएशन में,
एक से दो घंटा तो आप अलग से किसी और पढ़ाई के लिए तो निकाल सकते हैं। तो बच्चे इसमें पता है क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड मैट एग्जामिनेशन। सर ये किस बला का नाम है बच्चों, कैट एंड मैट एग्जामिनेशन एक तरीके की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है जिनको MBAs करनी है। MBAs आप अपने घर के सामने वाले कॉलेज से भी कर सकते हैं, बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली अगर MBA के लिए जा रहे हैं तो किसी अच्छे कॉलेज IIMs में ट्राई करो। IIMs में ट्राई करने के लिए बच्चों यू हैव टू क्रैक कैट एंड मैट एग्जामिनेशन। और भी होते हैं, जैट वगैरह होते हैं, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ऊपर से एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। तो बच्चा क्या कहता है, बच्चा ये बोलता है कि भाई मैं 18 साल की उम्र में जब बीकॉम में गया, मेरे पास तीन साल है। और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे ना बीकॉम के आखिरी साल में MBA की तैयारी शुरू करते हैं कैट मैट एग्जाम के लिए। नहीं, स्टार्टिंग से ही करो ना। क्या एक घंटा नहीं देख सकते आप? दे सकते हो। और बच्चों जैसे ही इसके तीन साल कंप्लीट हो जाते हैं, वो कैट एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं और चैंपियन हो जाते हैं तीन सालों में, एंड दे क्रैक अ गुड लेवल ऑफ MBA कॉलेज। तो बच्चों ये तो फर्स्ट चीज है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे फॉलो करते हैं और काफी इसमें प्रोग्रेस भी देखी गई है, सक्सेस भी मिल रही है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मैंने आपको इस वाली वीडियो में भी बताया था, ये वाली वीडियो आपको बनी आ रही होगी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, इसमें सेकेंड लाइन जो बच्चा करके चलता है, और इसको मैं ना मोस्ट इकोनॉमिकल लाइन बोलता हूं, सस्ते में बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिल गई मुझे। बच्चा क्या करता है इसमें, बच्चा करता है कोई भी ग्रेजुएशन बीकॉम BBA या फिर बीकॉम ऑनर्स, कोई भी ग्रेजुएशन साइड बाय साइड, तीन साल होते हैं साइड बाय साइड, इन तीन सालों में क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देता है। आज आप लिख के ले लो और आज कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लो गवर्नमेंट वाला, गिनती के पांच सब्जेक्ट कौन कौन से, क्वांट जिसको हम बच्चों बोल के चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, LR जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, और उसके बाद हमारे पास आके चलता है जनरल नॉलेज। गिनती के ये पांच सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस उठा लो ये पांच सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें टिक करना होता है। तो बच्चों बीकॉम के तीन साल वेस्ट करने के बाद तब मैं सोचूं कि हाँ यार जाऊंगा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, क्यों ना मैं बीकॉम में एक एक घंटा निकालना शुरू हो जाऊं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दूं। बच्चों आप लोगों को ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन, ये गाइडेंस मिल पा रही है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये बात सिर्फ वीडियो बनाने की नहीं है, ये चीज़ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हमारे टाइम में इतनी गाइडेंस नहीं मिलती थी जितनी आपके पास इस समय भरमार है गाइडेंस का, जहां देखो वहां गाइडेंस मिलेगी, अच्छी गाइडेंस। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लाइन चुननी है चुनो यार, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट नाउ। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, थर्ड बच्चों ऑप्शन होके चलता है जो कि अच्छा ऑप्शन है, बीकॉम के साथ साथ यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, you can do CA, you can do CS and you can also go for CMS, इसमें से कोई भी। एक चीज़ है जो मैं, अगर आप डिमांड करेंगे तो अलग सी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना, सर वी वॉन्ट टू नो अबाउट CA कोर्स, वी वॉन्ट टू नो अबाउट CA CMA। ग्रेजुएशन करो, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस करो, चाहे रेगुलर ग्रेजुएशन करो, बट एक चीज़ मेरी आज आप याद रखना बच्चों, जब भी CA CS CMA के लिए जाओगे ये मत सोचने बैठ जाना कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ CA कर रहा हूँ, मेरे को किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है लाइफ में, मैंने सब कुछ पा लिया अपनी लाइफ में। ग्रेजुएशन इज मस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस करो या रेगुलर करो वो आपकी मर्जी है, बट बच्चों साइड बाई साइड ग्रेजुएशन ज़रूर चला लेना, इस चीज में मैं आपको पर्सनली बोल के चलूंगा, ये चीज जरूर कर लेना। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, अब बात करते हैं जो लोग टीचिंग लाइन से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं कि सर आई वॉन्ट टू गो फॉर अ टीचिंग लाइन और सर मैं अपना ना स्कोप हायर करना चाहता हूं, तो बच्चों वो उस चीज की मैं आपको नॉलेज दे दूं कि उसके इसमें आप क्या करके चल सकते हैं। गो फॉर अ सिंपल ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गुड कॉलेज आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप अच्छे कॉलेज से MBA करके चल सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं बट अपना स्कोप अप करना चाहते हैं और आपके अंदर क्षमता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं, तो बच्चों एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन। वैसे तो एग्जामिनेशन टीचिंग से रिलेटेड बहुत होते हैं बट ये अलग एग्जामिनेशन है, ये एक अच्छी लाइन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो बच्चों UGC नेट क्रैक करने के बाद आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं कि मेरा मन है कि मैं PhD करूं, तो बच्चों यू कैन गो फॉर PhD।
या फिर अगर आप थक गए हो, यूजीसी नेट आपने क्रैक कर लिया, आप कहते हो कि यार बस, आपके पास बच्चों दो ऑप्शंस इसमें होके चलते हैं, कौन से? ईदर यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना बच्चों, यूजीसी नेट क्रैक करके यू कैन अप्लाई फॉर, जब भी उनकी वैकेंसी होती है यू कैन अप्लाई इन दैट। और सेकेंड होता है बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड सर, सेल्फ एम्प्लॉयड तो एक बीकॉम का जो पास टीचर है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है सर, उसने भी अपना सेंटर खोला हुआ है, वो तो खोला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बट बच्चों जब आप यूजीसी नेट क्रैक करके, यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो अपने आप में एक अलग दुनिया है। क्या सर ये कोई इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है? ना ना ना, वो बुक्स ही आपको ऐसा ट्रेंड करके चलती है कि आपको बच्चों को कैसे प्रेजेंट करना है, आपको बेसिकली बच्चों को इंडल्ज कैसे करके चलना है, बच्चों को समझाना कैसे है। तो बच्चों जिसने यूजीसी नेट क्रैक किया होता है उसका लेवल ही अलग होता है टीचर का पढ़ाने का। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ टीचिंग लाइन, बहुत कोर्सेज होते हैं, बहुत एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, बट मस्ट सो यू कैन गो फॉर बीकॉम, देन एमबीए, उसके बाद यूजीसी नेट। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर हायर स्टडीज, अपना लेवल आप ऊपर करना चाहते हो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर पीएचडी। एंड बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं बस ठीक है, उसके बाद यूजीसी नेट क्रैक करके यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और आप या फिर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, अपना आप सेंटर खोल के पढ़ा सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये एक चीज़ थी पूरी। आई नो कि इस वीडियो में मैं सारे कोर्सेज के बारे में आपको नहीं बता पाया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जोन से कोर्स के बारे में आपको नॉलेज चाहिए यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और वो कोर्स के रिलेटेड आपको वीडियो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बना दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन लेंगे, एंड शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल इज ऑलवेज विद यू इन योर एवरी डिसीजन। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।